तो आज 104 साल हो गए हैं और बहुत ही शर्मनाक ये घटना यहाँ घटी थी इस पार्क में अंग्रेजों के द्वारा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, और स्वागत है एक बार फिर से आपका। बारिश हो रही है, मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त गोल्डन टेंपल यानी अमृतसर, और इस वक्त मैं हूं रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर। तो दोस्तों जलियांवाला बाग पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले अमृतसर रेलवे स्टेशन आना होगा, जो कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से से आराम से आ सकते हैं, जो पंजाब के अमृतसर में पड़ेगा। दोस्तों जलियांवाला बाग अमृतसर में गोल्डन टेंपल यानी कि स्वर्ण मंदिर के सबसे नज़दीक है। मैं हूं भाई इस वक्त जलियांवाला बाग, और मेरे साथ आप देख ही रहे हैं, बारिश है और बहुत ही सुंदर ये पार्क है, और यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगी कुछ भूली बिसरी यादें। इतिहास में पढ़ा होगा कि जनरल डायर ने यहीं पर गोलियाँ चलवा दी थी, और मैं उनके निशान भी आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में लगातार आप बने रहना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, और वीडियो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो बात है दोस्तों 13 अप्रैल सन 1919 की, बैसाखी का दिन था, और यहाँ पर एक सभा चल रही थी जिसमें बच्चे बूढ़े और महिलाएँ सभी लोग थे जो कि निहत्ते थे। दोस्तों आज तो फिलहाल ये म्यूज़ियम टाइप बना दिया गया है, जिसको आप 3D या आप बोल सकते हैं पिक्चर वॉल की तरह देख सकते हैं। यहाँ पर आकर पुराना सब कुछ यहाँ रखा गया है, और दिखाने का प्रयास किया गया एक छोटा सा बहुत ही सुंदर, जो आपको याद दिला देगा सन 1919 की आज से 104 साल पहले यहाँ क्या दर्दनाक घटना घटी थी। तो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, और आपको यहाँ आना ज़रूर चाहिए दोस्तों, ताकि आपको पता लगे कि किन हमारे जो भगत सिंह, आज़ाद गुरु और इन लोगों ने अपनी छातियों पर गोलियां खाकर कैसे हमको आज़ादी दिलाई। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना, और दोस्तों आप यहां आए एक बार ज़रूर। दोस्तों यही है वह कुआं जिसमें तब गोलियां चली थी, तो बहुत से लोग तो इसी में गिर गए थे। आइए मैं करीब से आपको दिखाता हूँ। तो आज तो इसको शीशे के द्वारा कवर कर दिया गया है, लेकिन उस वक्त इसी में ही बच्चे बूढ़े और औरतें जो खून से लथपथ थी वो इसी कुएं में गिर गई थी। तो दोस्तों ये जो निशान आप देख रहे हैं यही है वो गोलियां जो लगी थी, और उनके निशान यहाँ तक आज तक छुटे हुए हैं। आप इस प्रकार पढ़ भी सकते हैं दोस्तों, ये बुलेट मार्क्स हैं जैसा कि इसमें बताया गया है। दोस्तों इसकी टाइमिंग शाम को 7 बजे ये बंद हो जाता है, तो यदि आप आएँ तो थोड़ा दिन में आएँ, या शाम के टाइम थोड़ा जल्दी आएँ। और इससे पहले आप यदि यहाँ पर आए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्या कहना चाहेंगे आप जनरल डायर के बारे में, और इस कुएं के बारे में, उन अंग्रेज़ों के बारे में, और उस महान क्रांतिकारी ऊधम सिंह के बारे में जिसने ये स्टैचू आज बनाया गया है उनकी याद में। तो आप प्लीज़ इसे देखने के लिए ज़रूर आएँ, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना दोस्तों। आपकी आँखें नम हो जाएंगी यदि आप अपने देश से प्यार करते हैं। जय हिंद ज़रूर।